पहले मैं बहुत मस्कुलर था। बचपन में की गई गलतियों के कारण मेरी मांसपेशियों में उभार आ गया। जमीन पर लेटते वक्त मुझे मेरे मसल्स गढ़ते थे। हग करना तो दूर, लोग मुझे छूने के लिए भी औजारों का इस्तेमाल करते थे। कोई मुझे फर्नीचर बोलता था तो कोई छोटा बुलडोजर। मेरा अपना बच्चा मुझे लोहे की अलमारी समझकर मेरी नाभी में चाबी घुमाता था। और फिर एक दिन, ये क्या टॉयलेट की जगह बने घूम रहे हो? तंग आ गई हूँ मैं इस आदमी से। I can't take this shit anymore. मम्मी मम्मी, क्या वो कोई मैनिक्विन है? नहीं, वो तुम्हारे पापा हैं। अब तो अपने आप को शीशे में देखना भी मुश्किल हो गया था। अब उनके जिम में आज तक ऐसा पंटर नहीं आया। बोले तो बंटा 7-7 घंटा चिपका रहता था। डंबल के साथ कडल करने का आदत था उसको। उसकी वजह से अपन सेठ से 2 बार गाली भी खाया इसकी माँ का। सर सर बस छोड़ दो सर, उखाड़ के घर ले जाओगे क्या? सर का जिम छुड़वाने के लिए हमने उनके पानी में घी मिलाया, उनके नॉनवेज सैंडविच में खीरे डाले, यहाँ तक कि उनकी फैमिली को बुलाकर उनकी बेइज्जती तक करवा दी। मामू डंबल छोड़ दो मामू, टेरियन मामू। लेकिन जो काम हम नहीं कर पाए वो तिवारी जी के लाल चटनी ने कर दिखाया। आखिरकार मैं अपने शरीर से बहुत खुश हूँ। लड़कियाँ मेरे मैन बूब्स पर मरती हैं। जहाँ जाता हूँ लोग कडल करना चाहते हैं। अब मैं किसी आजाद थुलथुले पांडा की तरह जमीन पर लौट सकता हूँ। चेक दिस आउट, जुबी डुबी परंपरा।